महान एनर्जन लिमिटेड बंधौरा के विस्तार की पर्यावरणीय जन सुनवाई हुई। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने इस विस्तार का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि संयंत्र विस्तार से काफी संख्या में लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। इस दौरान कंपनी ने क्षेत्र में सामुदायिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। सिंगरौली जिले के बंधौरा स्थित महान एनर्जन लिमिटेड के प्रस्तावित 1600 मेगावाट के विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की गई। सिंगरौली के अपर कलेक्टर अरविंद कुमार झा एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा, माड़ा के उपखंड अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला, मोरवा के सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस के पांडे भी मौजूद रहे। रैला गाँव में आयोजित लोक सुनवाई में परियोजना प्रभावित चार गाँव बंधौरा, खैराही, करसुआलाल एवं नगवा गांव के लोगों ने परियोजना के विस्तार का खुलकर समर्थन किया। लोक सुनवाई में मौजूद परियोजना के आसपास के लोगों ने सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने संयंत्र विस्तार से क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलने के साथ ही बहुत सारे लोगों को नई नौकरियां मिलने की संभावना और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने की उम्मीद जताई और महान एनर्जन लिमिटेड के विस्तारण पर खुशी जाहिर की। जो परियोजना का विस्तार हो रहा है उससे काफी ग्रामीणों को फायदा है और लाभान्वित होंगे, रोजगार को लेके और महिलाओं को लेके, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके काफ़ी सहयोग मिल रहा है। परियोजना के विस्तार में लोग प्रभावित हैं, खुश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1600 मेगावाट प्लांट के लगने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जब प्लांट लगेगा तो तमाम तरह की छोटी बड़ी कंपनियां आएंगी, उस कंपनियों में यहाँ के कुशल अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे दुकान व्यवसाय आदि इत्यादि चलेंगे, होटल चलेंगे। यहाँ के लोगों को काफ़ी मतलब दूर जाके व्यवसाय करना पड़ता था, वो व्यवसाय यहीं कर सकेंगे और इस प्लांट के लगने से इस क्षेत्र का समग्र विकास होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।